और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर माल्यार्पण करने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां आज लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है, आज गांधी जयंती भी मनाई जा रही है और हर जगह छोटे बड़े कार्यक्रम हैं। आपको दिल्ली से लेकर भोपाल तक की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और ये देखिए जहां पर लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। इस दौरान आप देखिए कि और भी कई चेहरे नजर आ रहे हैं, कृष्ण गौर भी मौके पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। तो ये तस्वीरें आपके सामने, भारत माता जय की जयकारे लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं। और भोपाल की ये तस्वीरें हैं जब लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को माल्यार्पण अर्पित करके नमन किया और भारत माता की जय के नारे भी यहां पर गूंजते हुए नजर आए, सुनाई दिए। लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे। तो आज पूरे देश में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और साथ ही गांधी जयंती मनाई जा रही है। आपको हमने दिल्ली से लेकर तस्वीरें दिखाई हैं, राजघाट की भी, और अभी ये तस्वीरें हैं भोपाल की। लाल बहादुर शास्त्री। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे सुपर फास्ट खबरों का। ग्वालियर में बायो सीएनजी गैस प्लांट का लोकार्पण, पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे लोकार्पण। ग्वालियर में भारत बांग्लादेश मैच का विरोध, हिंदू महासभा आज मनाएगी काला दिवस। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर कोरोना संक्रमित, आईटी पीसीआर जांच में हुई पुष्टि। ग्वालियर में एक दिन में मिले डेंगू के 58 मरीज, डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 829। सिमली के पैंच टाइगर रिजर्व में सफारी का आनंद ले रहे पर्यटक तेंदुए को देख रोमांचित हुए। 40 हाथियों का झुंड पहुंचा मरवाही, वन विभाग हाथियों पर बनाए हुए है नजर। गरियाबंद में दंतैल हाथी का आतंक, वन विभाग ने 20 से ज्यादा गांवों में किया अलर्ट जारी। कोंडागांव में पुलिस ने त्यौहार को देखते हुए लिया एक्शन, 10 स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन, 5 पेटी देसी शराब जब्त की गई। इंदौर में ज्वेलरी शॉप से चोरी का वीडियो आया सामने, दुकान का ताला तोड़कर चोरी किए सोने चांदी के जेवर। इंदौर शहर में अश्लीलता पर जैन मुनि का बड़ा बयान, कहा सोशल मीडिया पर अश्लीलता का हब, विरोध करेंगे। कोरबा में बरबलपुर बाईपास को 3 दिन के लिए किया गया बंद, पर्यावरण संरक्षण मंडल को जांच में जगह जगह मिला फ्लाई ऐश। इंदौर में नशेड़ी कार ड्राइवर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, घायल बुजुर्ग को अस्पताल में किया गया भर्ती। आज गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, मैं उनको प्रणाम करता हूं और निश्चित रूप से विकास के लगभग 700 से ज्यादा कामों का आज लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। सर, स्वच्छता अभियान को लेकर और कैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा? स्वच्छता जीवन में लोग सब धारे, केवल एक दिन का कर्मकांड नहीं करे, इसीलिए हमने प्रयास किया है कि सभी निकायों के साथ समाज जीवन को जोड़ने के लिए सारे प्रयोगों को ध्यान रखते हुए हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश को आगे बढ़ा। तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के जो आदर्श है उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और स्वच्छता को एक दिन के लिए नहीं बल्कि सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। कैमरा मौसम के साथ साइलेंस सिंह, भोपाल।